कहते हैं अकलमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। पाकिस्तान को उसी फटकारे की जरूरत है। आखिर भारत ने सार्क मीटिंग कैंसिल कर दी, पाकिस्तान और तालिबान को बड़ा वाला झटका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, तबाह हो गया है। यहाँ तक कि चीनी सरकार अब सीधे हाथ खड़े कर रही है। चीनी सरकार का ये कहना है कि चीन में जो ये भारी तबाही आई है, इसे रोकने की कोशिश अगर चीन की सरकार करती है तो फिर पूरा चीन ही दिवालिया हो जाएगा और गहरे आर्थिक संकट में फंस जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में एक ऐसी तबाही आई है जिसके पीछे न तो अमेरिका, न भारत और न ही यूरोप का कोई देश है और न ही चीन का कोई दुश्मन है। इन सब के पीछे खुद चीन और जिनपिंग है। अब ऐसे हालात जिनपिंग पैदा कर रहा है जो न सिर्फ चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रही है बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। पिछले दो दिनों से लगातार शेयर बाजार में इसका असर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। दुनिया भर के शेयर मार्केट गिरने शुरू हो चुके हैं। अब चीन दुनिया को एक नई आर्थिक मंदी की तरफ ढकेल रहा है और कारण क्या है? तो कारण है जिनपिंग की महत्वाकांक्षा। जिनपिंग ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिसमें से एक हथकंडा जो दुनिया भर में साफ साफ दिखा वो था घोस्ट सिटी का निर्माण करवाना। चीन में कई ऐसे शहर हैं जहां सब कुछ है, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े घर, होटल, सब कुछ है, लेकिन एक भी लोग वहां नहीं रहते हैं। ऐसे कई शहर बनाए हैं चीन ने और ये सब कुछ किया है सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी जीडीपी को हाई पे रखने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अब समय है भुगतान का, लेकिन इस भुगतान में सिर्फ चीन नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी फंस रही है। दरअसल चीन का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है एवरग्रांड, जो मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम करती थी। अब इस कंपनी और चीन के सत्ताधारी पार्टी के बीच बड़ा ही तगड़ा वाला झोल था। इस कंपनी ने दुनिया भर से पैसे उठाए लोन के रूप में और अपने कागजों में, अपने बैलेंस शीट में इसे दिखलाया ही नहीं। फिर क्या इन्होंने चोरी कर ली? इन्होंने चोरी नहीं की बल्कि ये चले गए सारे पैसे चीन की सरकार के मेगा प्लान में। अब स्थिति ये हुई है कि निकल कर सामने आया है इसके ऊपर 300 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज और ये कंपनी इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। इस कंपनी के कर्ज को चीन भी नहीं चुका सकता है। अब हो क्या रहा है कि कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे ये कंपनी दिवालिया हो गई, जिसका असर ये पड़ रहा है कि करीब 50 लाख चीनी बेरोजगार हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन की चपत सीधे के सीधे चीन को लग रही है इस कंपनी के डूबने से। यहाँ तक कि एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि चीन की इस कंपनी के डूबने का मतलब है सबसे पहले आर्थिक मंदी चीन में आएगी और फिर इसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट में दिखना शुरू होगा। जिस तरीके से 2008 में आर्थिक मंदी का सामना दुनिया ने किया था, वैसा ही इस बार भी हो सकता है। खैर, चीन की इस तरह की और भी घटनाएं निकल कर आएंगी और तबाही और भी निकल कर आएगा। पर इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सार्क सम्मेलन से। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का प्रेम भारी पड़ रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि पाकिस्तान को ये लगता है पूरी दुनिया अंधी है और ताकत के बल पर जिस तरीके से तालिबान ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है, या फिर ये कहें हक्कानी को सत्ता पे बिठा दिया है पाकिस्तान ने, अब वैसे ही चाह रहा है कि दुनिया भर के देश हक्कानी को मान्यता भी दे। अब इस चक्कर में भारत ने सीधे पाकिस्तान और तालिबान दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाया है और वहीं पाकिस्तान को तगड़ा वाला झटका दिया है। हाल ही में जब SCO की मीटिंग हुई थी, तब इमरान खान बड़े जोर देकर ये कह रहा था कि हमें तालिबान को मान्यता देना होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान एक समावेशी सरकार बनाए जहां सारे समुदाय के लोग रहें, जिससे दुनिया उसे मान्यता देने में कोई दिक्कत न हो। पर पाकिस्तान की इस बात को अगले ही दिन तालिबान ने खारिज कर दिया, ये कह के, और वो भी सीधे इंटरव्यू दे के। प्रवक्ता ने साफ कहा कि पाकिस्तान कौन होता है हमें समझाने वाला कि हमारी सरकार कैसी हो और कैसी नहीं हो। अभी जो विदेश मंत्री बना है वो और कैबिनेट के कितने
सारे मंत्री जो तालिबान ने बनाए हैं सारे यूएन में रजिस्टर्ड हैं, अपने ऊपर आतंकवादी का तमगा लेकर घूम रहे हैं। ये दुनिया के खतरनाक आतंकवादी हैं जिनका मंत्रिमंडल बना हुआ है। यही वजह है कि यूएन हो या फिर कोई और संस्था हो, दुनिया भर की संस्थाएं इस वक्त तालिबान को मान्यता नहीं दे रही हैं, तालिबान की सरकार को भी मान्यता नहीं दे रही हैं। अब अफगानिस्तान के पूर्व कैबिनेट की ही मान्यता हो रही है। अशरफ गनी के जाने के बाद अमरुल्ला सालेह को ही राष्ट्रपति माना जा रहा है और उनके ही कैबिनेट को हर जगह अफगानी सरकार का हिस्सा माना जा रहा है। अब यही बना है झमेले का कारण सार्क में। वैसे आपको बता दे, जब सार्क की फॉर्मेशन हुई थी तब इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि जिस संगठन में पाकिस्तान शामिल है वो संगठन ज्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं, इस संगठन का उपयोग ही बेकार है। अब वो चीज निकल कर सामने आ रही है कि भारत ने उस वक्त भी सही कहा था, पाकिस्तान किसी भी संगठन को सही तरीके से चलने नहीं देगा। आखिर हुआ भी वही। आपको बता दें, सार्क संगठन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। पाकिस्तान इसमें ये कहने लगा कि 25 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग अमेरिका में होने वाली थी, इस मीटिंग में आपको तालिबान के विदेश मंत्री को भी शामिल करना होगा। पहले ये तय किया गया था कि अफगानिस्तान से इस वक्त कोई नहीं आएगा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की कुर्सी खाली रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जोर देने लगा कि नहीं, यहाँ पे तालिबान का विदेश मंत्री आएगा, वही इस वक्त अफगानिस्तान का विदेश मंत्री है। इसे देख जहाँ बाकी देश नान नुकुर कर रहे थे, तो वहीं भारत ने सीधा विरोध कर दिया। भारत ने ये कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, तालिबान की सरकार को दुनिया भर में मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अफगानिस्तान की कुर्सी या तो खाली रहेगी या फिर ये बैठक ही नहीं होगी। पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता दिलाने के चक्कर में यही कहता रहा कि तालिबान भी आएगा, जिसके बाद भारत के साथ बाकी देश भी खड़े हो गए और फाइनली ये तय किया गया कि अब ये मीटिंग होगी ही नहीं। वैसे पाकिस्तान जैसे देश के साथ कोई संगठन बनना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान संगठन में शामिल होने लायक देश है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।